सो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका इसकी और आज हम बात करने वाले हैं हाई वाटर बोर्ड के बारे में। कि तो फाइनली सभी लोगों को आपका जो ऑफर लेटर है वो सबको इशू कर दिया गया है। इस बार थोड़ा सा ऑफर लेटर का जो स्पेसिमेन है मतलब थोड़ा चेंज कर दिया है। मे भी हो सकता है ड्यू टू कोविड एंड सम अदर सर्कमस्टांस के। तो बक आपको इस सब टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पर ही बहुत ही एग्जैक्ट वर्ड में बताऊँगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या कहाँ पर आपको गलती ज़्यादा चांस होने के रहता। ओके, तो ये सब चीज़ें आप मे बी अवॉइड करें और कोई भी काम कैसे करना। तो सब चीज़ तो देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर लिखा हुआ कैट वन ट्रेनिंग एज एच डब्ल्यू पी कोटा फ्रॉम 21/29/1/22। तो जहाँ तक कि मैं भी आशा लगा रहा था कि जनवरी तक दे देगा। ओके, और देखिए जनवरी सबसे लास्ट दिया है। ओके, तो ये चीज़ तो आखिर फाइनली देगी दिया है, तो डिसीजन लेना काफ़ी लोगों को ईजी होगा। हाँ, मेरी वो लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा जो लोग अभी आई एफ सी में जस्ट ज्वाइन किए हैं। हाँ, लेकिन जो लोग एक्सटेंशन ले चुके हैं आई एफ सी में उनको भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कोई भी दिक्कत होगा तो आज मैं पर्सनली सबको बोल रहा हूँ, अपना व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से मे बी जहाँ तक हो सके मैं गाइडेंस करने की कोशिश कर सकता हूँ जहाँ तक हो सके। ओके, ये चीज़ का पूरा आप निश्चिंत रहिए जहाँ तक मेरी पॉसिबल हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट में क्या कहता है। तो कैंडिडेट के क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसमें साफ लिख दिया गया है कि इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट कैटेगरी वन स्टेपेंडेंट ट्रेनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट जो लोग हैं, मतलब पहला तो ये है कि राजस्थान, क्योंकि ये आपका जो ट्रेनिंग होने वाली है कोटा राजस्थान में होने वाले, तो राजस्थान सरकार की जो कोविड 19 का जो भी SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको बोला था SOP, उसके अनुसार से आपको सब कुछ करना है। तो ट्रेनिंग पीरियड देखिए लिखा है, जो कैट वन में सेलेक्ट हुए हैं चाहे आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी ब्रांच को इंस्ट्रूमेंटेशन केमिस्ट्री या फिर कोई भी ब्रांच से हो, वो लोग को बात किया है तो एक तार वो लोग का ट्रेनिंग जो स्टार्ट हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ विल कॉमेंस फ्रॉम 1/2/2022। तो 1 तारीख से वो लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 1 तारीख से यानी मतलब फरवरी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और कैट वन। और देखिए ये जो ईच कैंडिडेट मेंशन ऑफर लेटर जो है दिस डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, तो ये जो लोकेशन और कैट वन जो है वो SWP पे ही फाइनल होगा कि वो लोग बताएंगे कब कैसे होगा। और ये चीज़ साफ लिखी थी मेडिकल एग्जामिनेशन जिसके मैं बात कर रहा था कि आप लोग को सबको मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, तो वो चीज़ एक होता है इंटरव्यू मतलब ज्वाइनिंग के ठीक पहले, ज़्यादा वरी करने की टेंशन नहीं है, छोटा मोटा ही होता है। तो वो 29 तारीख को होगा जनवरी में और 1 तारीख से ज्वाइनिंग हो जाएगा रावत भाटा कोटा में। ओके, जहाँ तक लोकेशन उसमें बताते हैं ठीक ठाक ही है। ओके, हाँ ये थोड़ा ये सब रोड बताया गया कि कैसे कैसे आपको वहाँ पहुँचना। ओके, तो ये चीज़ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दो तरह कोटा रेलवे स्टेशन से पहुँच जाइए। हाँ, अभी ठंडी के मौसम है तो उसके अनुसार प्रिपेयर होके जाइएगा। ओके, तो ये चीज़ बताया गया कि स्पेसिमेन कॉपी में जो ऑफर लेटर है अलॉन्ग विद सॉफ्ट कॉपी, जो ऑफर लेटर के साथ साथ जो सॉफ्ट कॉपी है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो सब अटैच होना चाहिए। और ये सब डॉक्यूमेंट पोस्टल डीले और एनी अदर रीजन मे सबमिट देयर एक्सेप्टेंस टू AIHWU बिफोर 15/1/2022 एंड अपीयर द मेडिकल। तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही साफ कर दिया है, मैं आपको बताऊँगा एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में कि आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर है उसको अगर कोई लड़का अगर वो लोग रिसीव नहीं कर पाए, लिखा देखिए लिखा हुआ कैंडिडेट हु डू नॉट रिसीव एवर डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट और ड्यू टू एनी पोस्टल डीले ऑन एनी अदर मे सबमिट देयर एक्सेप्टेंस टू AO/AWO ऑन या फिर बिफोर 15 एंड अपीयर, मतलब 15 तारीख से पहले आपको जो एक्सेप्टेंस का है वो सबमिट करना होगा और तब उसके बाद 29 तारीख को मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो सबमिट करने का बहुत सिंपल तरीका है, उसमें बताया होगा कि आपका एक मेल होता है उस पर भेज देना होता है। अब या फिर और भी देखते हैं कैसे कैसे बताया। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको रखना होगा कि एग्रीमेंट जो है बॉन्ड होता है एक्सेप्टेंस फॉर्म होता है रिपोर्टिंग ड्यूटी हो गया डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ें जरूरत पड़ेगा। ओके, एस्टेटेशन फॉर्म नंबर होगा ओरिजिनल हैंडराइटिंग नो फोटोकॉपी ये सब नहीं चलेगा, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा। आगे मैं देखता हूँ आगे क्या है। देखिए ये आपका ऑफर लेटर है जस्ट ये डॉस फॉर्म में है तो ओपन हो रहा है। ओके, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है लेकिन कोई बात नहीं।
ये ऑफर लेटर थोड़ा सा क्या होता है, देखिए ये बहुत ही सुंदर ऑफर लेटर है। देखिए थोड़ा सा बड़ा करना होगा मुझे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा देखिए। ये जो ऑफर लेटर देख रहे हैं ये बहुत ही यही आपका ऑफर लेटर है। आपको इसको जो है ना प्रिंट करवाइएगा, तो रंगीन फॉर्म में करवाइएगा, जो भी करवाइएगा ऑफर लेटर को थोड़ा अच्छा लगे। तो इसमें यहाँ पर ही जनरली क्या होता है कि आपका नाम और होम एड्रेस और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर तो भरा हुआ है, ये भरा हुआ रहता था। ओके, तो यहाँ पर ऑल सिलेक्टेड कैट वन कैंडिडेट पब्लिश इन द वेबसाइट, ये चीज़ लिखा हुआ है। 4 जनवरी को ये लोग पब्लिश कर दिए हैं, आज हो गया है। ओके, तो इसमें बताया गया है कि आपको 16,000 रुपया फर्स्ट ईयर मिलेगा, उसके बाद 18,000 रुपये सेकेंड ईयर में, और 3,000 रुपये में बुक अलाउंस मिलेगा वन टाइम। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। और जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा 4,11,000 का। ओके, जो कि 2 प्रतियाँ में होगी, ये सब बताया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप अपने अनुसार समझ लीजिएगा। ओके, और एक क्लोज नंबर अटेस्टेशन फॉर्म होता है, जो कि सेफ्टी सिक्योरिटी और क्वेश्चनरी होता है, विथ फोटो एफिक्स होता है, उसमें मैं बताऊंगा उसमें क्या होता है, ये चीज़ भी भरना होता है। ओके, तो इसमें कुछ खास नहीं है ये सब, लेकिन हाँ आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए। ओके, वही फिर लिखा है कि पोस्टिंग होने के बाद 44,900 के साथ लेवल 7 के साथ आपका पोस्टिंग होगी। ओके, तो ये सब चीज़ें लिखा हुआ, यही लिखा रहता है कि डीए के दूसरे मतलब में आपका हो सकता है पोस्टिंग, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, जब भी होगा HWB में होगा। ओके, तो एडमिशन और वेरिफिकेशन और जो करेक्टर होता है ये सब भी होगा। तो ये सब बाकी है, SC जो कैंडिडेट है उसको अपॉइंटमेंट जो है वो सब्जेक्ट करेगा, कास्ट देयर सर्टिफिकेट ये सब भी वेरीफाइड होगा, मतलब जो SC ST OBC EWS है, तो एक प्रॉपर चैनल के द्वारा वेरिफिकेशन होता है कि आपने कोई कास्ट उस गलत तो नहीं बताया। ओके, तो ये चीज़ है। देखिए ये चीज़ आपका एक नंबर दिया है, फ़ोन नंबर दिया हुआ, इस पर एक फ़ोन नंबर दिया हुआ ना, एक ईमेल आईडी दिया है, फ़ोन नंबर, तो अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर है इस पर भेज सकते हैं। पहले इसमें फ़ोन नंबर, फ़ोन आपको भेजने से पहले एक बार बात कर लीजिएगा उनसे कि ये नंबर से कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो वो चीज़ बता दीजिएगा। देखिए, इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफ़र यू हैव टू रिपोर्ट ट्रेनिंग 29 तारीख को 9 बजे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थर्ड एंड हैवी वाटर प्लांट कोटा अनुशक्ति पोस्ट ऑफिस अनुशक्ति HWB कॉलोनी है रावतभाटा वाया कोटा राजस्थान। ओके, तो ये सब चीज़ें बता दिया गया है। ओके, और आगे मैं बात करता हूँ एग्रीमेंट की। तो देखिए एग्रीमेंट में वो जो बॉन्ड आपको बनाना है ना, देखिए एक बॉन्ड है जो देख लीजिएगा, इसमें जो जो लिखा हुआ कि ये अपना नाम पता जो भी होता है वो सब आराम से भर लीजिएगा। कि देखिए मैं बता रहा हूँ और क्या क्या होता है, कि ट्रेनिंग ऑब्जर्व फुलफिल पे टू द ट्रेनिंग स्टाइपेंड 9,300 एंड प्री मंथ, एक्चुअली ये बहुत पुराना वाला लग रहा है। ओके, ये पुराना वाला बॉन्ड ऐसे बना दिए हैं। ओके, ये एक बॉन्ड वाला है, ये वाला सेम टू सेम कॉपी, मतलब वो लोग आप जैसे आप उनके पास जाइएगा ना तो वो चीज़ करवा देंगे, क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ है, मतलब ये बताते कितना इतना साथ के आपके साथ होगा। एक्सेप्टेंस, देखिए बॉन्ड टू फर्निश बाय ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के द्वारा ही बॉन्ड को पूरा करना है। एक्सेप्टेंस लेटर है जो मैं बात कर रहा था आपको साथ कि क्या है, ये भी खुल रहा है। ओके, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए ये है एक्सेप्टेंस लेटर, जैसे इसको आपको प्रिंट करवाना है अच्छे पेज में करवाएगा, और उसके बाद नाम पता लिख के इसी को 15 तारीख से पहले भेजना होता है कि ये भाई मतलब हम ज्वाइन करने वाले हैं ये सब चीज़ों के। ऐसे पहले जहाँ तक मेरे समय में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब 4 दिन पहले मुझे रिपोर्ट करना था, जैसे कि मान लेते मुझे बुलाया गया था 20 तारीख या 21 तारीख को, मतलब उस समय 2019 की बात है, सॉरी 2020 की बात है, हाँ 2020 की बात है, कि उसमें बुलाया गया था कि आपको 16 मार्च को रिपोर्ट करना। ओके, और 21 मार्च को आपका ज्वाइनिंग है। तो हुआ यही था कि वहाँ जस्ट लोग ज्वाइन किए और 23 तारीख से लॉकडाउन लग गया था तो बहुत ही वो लोग बहुत मज़े किए थे, ठीक है। लेकिन ये आपको मतलब भेजना रहता हो कि ये ध्यान रखिएगा, आपको पूरा भर के अच्छे से कोशिश कीजिएगा कोई भी गलत ना हो इस पे, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा किसी से जो लोग हैं, या फिर कुछ और दिक्कत हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। एक डिक्लेरेशन फॉर्म है कि मतलब ये डिक्लेयर किया जाता है कि आप जैसे कि है ना
होम ऑफर, ट्रेनिंग सिप, यूसुफ पे पोस्ट ऑफ, ये जो जो लिखा हुआ ना वो अपने भर के ये सब, मतलब 29 तारीख को ले जाना है और एक 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 तारीख को आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भर लेना है, तो ये सब आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी अटेस्टेशन फॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा था, कि ये बहुत ही, मतलब क्या मैं बताऊँ, इसको देख के बहुत अजीब कर दिया ये लोग, तो अच्छे से बना के देना चाहिए था। देखिए, आपको पास अगर ऑफर लेटर घर पे भेजा, तो मेरे ख्याल से मेरे से जो भेजा था ना, ऐसे ही करके, मतलब एक होता है ना, प्रॉपर ढंग से रखना चाहिए, तो कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा सा करके रखना चाहिए था ये। लेकिन आप, कोई बात नहीं, आपको जैसे लिखा हुआ वैसे बन। और अटेस्टेशन फॉर्म में प्लीज गलती ना कीजिएगा, प्लीज, जहाँ मतलब क्या बोलते, ओवर राइटिंग जो होता है ना वो ना करने, हो सके तो आप एक बार अलग फोटोकॉपी करवा के कर लीजिएगा, लेकिन इसमें गलती नहीं। जो भी भरिएगा सबका सही से भरिएगा, क्योंकि ई अटेस्टेशन फॉर्म से आपके घर पे जो वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन, वो चीज़ इसी एड्रेस से, इसी के साथ वो आपके पास जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, तो सारी चीज़ इसमें भरना है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप जो लोग जॉब करते हैं उनसे पूछ लीजिएगा, तभी भरिएगा। और इसी में एक आता है अटेस्टेशन फॉर्म में गेस्ट ऑफिसर का जो साइन, तो मे भी आप लोग सब बार के समय जब साइन करवाए होंगे तो आपको पता होगा। तो अगर सबसे बेस्ट आइडिया है कि अपने जो प्रिंसिपल है कॉलेज के, या फिर आसपास के जो भी 9th-10th का जो हाई स्कूल है वहाँ का जो प्रिंसिपल, उनसे साइन करवा दीजिए, ये सबसे बेस्ट है। या फिर जो आसपास में जो भी लोग भी आपके लगता है अटेस्टेशन गेस्ट ऑफिसर साइन करने का अथॉरिटी है, तो वो कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीज़ें आराम आराम से भरना होता है, आप भर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ओके, हाँ, एक है ये स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनरी। ओके, तो ये सभी जो जो वो चीज़ लिखा हुआ है, इसमें लिखा है टू अडॉप्टर फॉर वेरिफिकेशन और री वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर फोटोकॉपी जो भी होता है आराम से भरिएगा, एक ये भी चीज़ भर के ले जाना आपको। और आई होप ये चीज़ बहुत ही आराम से आप करवा जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो गलती उलती मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये सब लेके आएंगे घर पे। एक बॉन्ड जो उस पर बनाया था ना, हमें लग रहा है कि बॉन्ड एक्चुअली में वो जो 4 लाख समथिंग का होता है वो बॉन्ड बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो दिखा रहे हैं लोग, जो बॉन्ड टू फर्निश बाई ट्रेनीज, ये कुछ मुझे अजीब लग रहा है। ओके, आई होप मैं किसी से पूछ के आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आपको टोटल 4 लाख समथिंग का बॉन्ड बनाना पड़ता है। देखिए, जो देख रहे हैं ना, यहीं पे भरना है बॉन्ड टू बी फर्निश बाय ट्रेनिंग, की आपका नाम पता जो भी चीज़ होता है इतना से इतना है, इसका लिविंग अटेस्टेशन जो भी है, टू द इंटरेस्ट देन, ये सब सारे चीज़ भर के सब कुछ आपको देना होता है। तो आप घबराइएगा नहीं, सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो 2-3 यहाँ पर विटनेस के रूप में होता है, तो बॉन्ड जनरली आपको हाई कोर्ट में, मतलब जो लोकल जो कचहरी होता है, कोर्ट होता है, वहाँ जाके आपको करवाना होता है। ओके, तो आई होप मे बी सम आपको कुछ हेल्पफुल हुआ होगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि सोल्व हो जाए। और आई होप, और एक बात, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन है मेरी तरफ से कि आप लोग ज्वाइन करें वहाँ पर ही, बहुत ही अच्छी लाइफ है, बहुत ही अच्छी लाइफ। क्या मतलब, अब भाई डिप्लोमा लेवल जिस तरह से काम है, उस काम को एंजॉय कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं तो फिर कुछ कहूँ भी अच्छा नहीं। ओके, तो जो भी काम मिले अच्छे से कीजिएगा, और बहुत ही इस पैंडेमिक टाइम में ज्वाइनिंग होना, अभी जैसा कि ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखें। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक।